हेलो दोस्तों, आपका डोलची किचन में स्वागत है। आपने हलवे तो बहुत से खाए होंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आज नई तरीके का हलवा बताऊंगी, मूंगफली और काजू का। अच्छी तरह से मूंगफली ले लीजिए और मद्दी मद्दी आंच पे भून लीजिए। जब इसका छिलका अलग हो जाए, तब आप इसको एक बर्तन में निकाल लीजिए और इसके सारे छिक्कल आराम से छील लीजिए। और उसी हत्ते में आप दोबारा से काजू भून लीजिए। काजू धीरे धीरे भूनिएगा, जिससे जले नहीं, और धीमी आंच ही रखिएगा। अब इन सबको एक मिक्सी जार में दोनों चीज़ों को मिलाकर पीस लीजिए। पीसने के बाद में इसमें घी नहीं डलता है, ये बगैर घी का बनेगा, और आप एक बार बनाइएगा ज़रूर। अब एक हत्ते में आप दूध डालिए, एक कटोरी दूध डालिएगा, या उससे कम भी डाल सकते हो। और इसको जो आप और थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिएगा। शक्कर डालने के बाद जब इसमें खौल आ जाए, तब आप इसमें अपना जो ये आपने पीसा था वो डाल दीजिएगा, मूंगफली और काजू। अब इसमें दो सब चीज़ें मिला के डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से भून लीजिए। जब ये पूरा इसका दूध सूख जाए, तब आप इसको निकालिएगा। अभी देखिए मैं कितनी, और इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई भी लम्स नहीं आने चाहिए। अगर लम्स आएंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया है और कितना सुंदर कलर आया है। अब एक प्लेट में ज़रा सा घी लगा लीजिए, या फिर ऐसे ही डाल सकते हो। डालने के बाद में आप इसको सजा लीजिए, काजू बादाम जो जो आपको चीज़ें पसंद है, ड्राई फ्रूट, वो आप डाल के सजा सकते हो। और इसे गरम गरम खाइए तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसे ठंडा करके भी खा सकते हैं। अगर आपको हलवा नहीं खाना है तो आप इसके लड्डू भी बना के खा सकते हो। आज की आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नई वीडियो के लिए इंतज़ार करें।